नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं पूजा। अपनी पैतृक संपत्ति पाने के लिए महिला मुंबई से आकर रीवा में दर दर की ठोकरें खा रही है। महिला अपने पति के साथ मुंबई में रहती थी, जहां पति की मौत हो गई। महिला मुंबई में सर्विस कर रही थी। उसके ससुराल की पैतृक संपत्ति पर भू माफिया के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जब वो शिकायत करने मुख्यालय पहुंचती है तो उसके साथ कर्मचारियों के द्वारा मारपीट भी करवाई जाती है। पीड़िता ने बताया है कि वह बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के मनकहरी की रहने वाली है। विगत दिनों अपनी समस्या को लेकर वह कलेक्ट्रेट पहुंची थी, जहां मोहन सभागार में तैनात सुरक्षाकर्मी ने उसके साथ मारपीट की थी। पीड़िता शिवकली त्रिवेदी ने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड सचिन दीक्षित के द्वारा उसे अपमानित किया गया और असभ्य शब्दों का प्रयोग कर उसके साथ धक्का मुक्की की गई थी। इतना ही नहीं, वह अपने पैतृक संपत्ति को पाने के लिए पंचायत सेक्रेटरी से दस्तावेज गुम होने का सर्टिफिकेट लेने के लिए आवेदन की थी, लेकिन उसका राशन कार्ड तक नहीं बनाया जा रहा है। आए दिन उसे परेशान किया जाता है और भू माफिया से साठ गांठ कर उसकी पैतृक संपत्ति को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़िता का क्या कहना है। क्या मामला है? हमारा जमीन विवाद है। हमारा जमीन भू माफिया लोग हड़प रहे हैं और अपने नामे करा करा के ना उसमें लोन भी उठाई है, मंदिर को भी हड़पी है। अतिक्रमण हटवाने के लिए शिकायत की है। उत्तराधिकार की दौड़ रही है। बॉम्बे से आती जाती पति बॉम्बे को उसमें सर्विस करती थी और उनका इंतकाल हो गया है एक्सीडेंट। हमारी फैमिली को परेशान न चल रही, न खेती करने दे रही, न खेत वाली करने दे रही। पुलिस थाना में सबका शिकायत की, यहाँ भी कार्यालय में बड़े बड़े अधिकारियों से की, लेकिन कुछ राहत जब मिलती है तो उन घुमाफियों के जो चमचे हैं वो मारपीट के यहाँ से भगा देते हैं, तोड़ फोड़ कर देते हैं, हमारे हाथ पैर तोड़ते हैं, मारपीट पीटते हैं। यहाँ तक कि मोहन सभागृह में मैं गई थी अगले मंगलवार 23 तारीख को शाम 3:30 बज रहा था मैं, और वहाँ कलेक्टर साहब ना मौजूद होने के कारण मैं इंतज़ार कर रही थी, परंतु वहाँ की जो सिक्योरिटी गार्ड महिला हैं गेट में बैठती हैं, उन्हें बार बार परेशान करके मारती पीटती रहती हैं। फिर मोहन सभागृह में भी जाके पिटाई चालू कर दी हमारी, और हमें बुलाया गया कि आप एसडीएम साहब को दे दीजिए, जो देना है आपको लेकर कलेक्टर साहब नहीं है। किस कारण से आपको आपके साथ मारपीट गई की गई? कारण तो नहीं बताए। उनका मतलब यह है हमारे विपक्षियों का कि हम किसी अधिकारी को सक्षम अधिकारी से न मिल सकें, ना हम अपना विद्या बता सकें, और ना आपकी जमीन भू माफिया द्वारा कई भू माफिया मेल के ग्रुप है भू माफियों को मनकहारी ग्राम में, और ये लोग ना हमारी जमीन में। कितनी जमीन है हमारी? पैतृक जमीन भरपूर कोठार है, पवाईदार। कहाँ के रहने वाले? ब्राह्मण कहारी है इधर रीगा जिले में। वहाँ हमारी ससुराल और हमारे ससुर जी बाबा ससुर जी की जो है पैतृक जमीन में है, कई गांव में है। आप कलेक्टर साहब से आप क्या चाहते हैं? हम उम्मीद चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और तत्काल भू माफिया और ये जो बढ़े हुए हैं नक्सली, इनको कैसे करके ना शांत किया जाए, इनको कैसे करके सजा दिलाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शिवलली स्वर्गीय रामकृष्ण त्रिवेदी। कहाँ से आए हैं? हम बॉम्बे से आए। कौन सा थाना लगता है मेरा? अरे गांव, गांव कहाँ है? गांव मनकहरी है, थाना सदर, तहसील हुजूर, जिला रीवा, मध्य प्रदेश।
तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।